हेलो। तो देखिए, 11th का जो ये सेकंड चैप्टर है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है आपका फिजिकल वर्ल्ड है। अब फिजिकल वर्ल्ड ये आपकी सेल्फ स्टडी के लिए है। ये जब बुक्स आ जाएंगे तो आप उसको सेल्फ स्टडी करेंगे कि आखिर फिजिक्स होती क्या है, किन किन ने क्या क्या आविष्कार किए हैं, और इन सब के बारे में पूरी डिटेल है। ठीक है, तो आपका जो मेन जो चीज़ें स्टार्ट होंगी वो होंगी यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो फिलहाल यूनिट्स एंड मेजरमेंट आखिर देखते हैं होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो जैसा कि हमने फिजिक्स में अभी तक पढ़ा था, लेंथ के बारे में पढ़ा था, लेंथ के बारे में, मास के बारे में, ठीक है, टाइम के बारे में, ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैकेनिक्स में भी पढ़ी थी, जैसे करंट के बारे में। ये सब जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, करंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, और ये सब चीज़ें, जितनी भी फिजिक्स में हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, यानी कि नेचर के किसी भी इफेक्ट को मेजर अगर करना है तो हमें सबसे पहले उसको एक नाम देना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी तो नाम दे दिया, मान लो जैसे लेंथ दे दी। अब लेंथ को सबसे पहले हमें मेजर करना होगा। मेजरमेंट के लिए हमारे पास दो चीजें जरूरी होती हैं। जैसे लेंथ होती है, तो लेंथ में क्या है, जैसे हम लोग अगर मीटर स्केल लेते हैं तो क्या हम कहते हैं कि 2 मीटर, अगर किसी रॉड की लेंथ है अगर 2 मीटर, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, ये मीटर क्या होता है, यूनिट। यानी इसका मतलब ये होता है कि 1 मीटर अगर यहां से यहां तक है तो दूसरा मीटर ये, तो हम ये कहते हैं 1 मीटर ये और 1 मीटर ये, तो ये रॉड जो है हमारी यहां से यहां तक पूरी आ जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि 1 मीटर वाले 2 ब्लॉक आ रहे हैं, तो ये मेजरमेंट होता है। इस तरह से हम लोग मेजर करते हैं। अब ये 1 मीटर की जो वैल्यू है वो क्या है, वो हमारे लिए फिक्स है। कहीं भी आप ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर 1 मीटर की बात करोगे तो ये वैल्यू क्या रहेगी, हमारे लिए फिक्स रहेगी। ठीक है, इसको हम नहीं बदल सकते हैं। दुकान के पास भी जो वायर मेजर करने के लिए होता है तो उसमें एक स्केल होता है 1 मीटर का, कपड़ा मेजरमेंट में भी 1 मीटर का स्केल रहता है। तो क्या रहता है कि यूनिट उसको हम बना देते हैं। जैसे सेंटीमीटर स्केल में देखते हो तो सेंटीमीटर कितना होता है, इतना छोटा सा होता है। ठीक है, मिलीमीटर इसका 10 पार्ट होता है, यानी कि ये इस तरह से। तो ये सब अलग अलग मेजरमेंट के यूनिट सिस्टम है। जैसे अगर हम सेंटीमीटर को यूज करना चाहे सेंटीमीटर को यूज कर सकते हैं, मिलीमीटर को यूज करना चाहे मिलीमीटर से। अब छोटी चीजों के मेजरमेंट के लिए मिलीमीटर यूज होता है, ठीक है, और बड़ी चीजों के लिए सेंटीमीटर, उससे बड़ी चीजों के लिए हम मीटर, और सड़कों की लेंथ के लिए क्या होता है, किलोमीटर, और भी उससे बड़ी बड़ी यूनिट होती हैं। तो ये यूनिट क्या है, ये एक फिक्स क्वांटिटी है। और ऐसी यूनिट कितनी बार आ रही है किसी चीज के मेजरमेंट में, यानी 2 बार आ रही है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं न्यूमेरिकल मेजरमेंट। तो यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 2 चीजों का प्रोडक्ट होता है, एक इसके न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसकी यूनिट। यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हम इसको क्यू से डिनोट कर रहे हैं तो वो 2 चीजों का प्रोडक्ट होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या, 2 सिस्टम अलग अलग लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 मीटर कोई रेड रॉड की लेंथ है, तो उसको 2 मीटर तो कहते ही हैं, उसको सेंटीमीटर में अगर कहना चाहें तो 200 सेंटीमीटर भी कहा जा सकता है। तो क्या रॉड की लेंथ चेंज हो गई? कुछ नहीं चेंज होगा इसमें, बस डिफरेंस कहां पर आया, डिफरेंस ये यूनिट में आ गया। ये जो यूनिट हमारी है, ठीक है, इसको हमने चेंज कर दिया। ये मीटर बड़ी यूनिट थी तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम थी, अगर हमने मीटर को छोटा कर दिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही बढ़ गई। तो यानी कि लेंथ में कोई चेंज नहीं आया, बट सिस्टम बदलने से न्यूमेरिकल वैल्यू में प्रभाव पड़ा। यानी कि अगर यूनिट छोटी की तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई। यानी कि हम ये भी तो कह सकते हैं कि एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, यानी कि यूनिट अगर बढ़ाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी, यूनिट घटाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी। तो ये एक रिलेशन है, ठीक है, इसी का हम यूज करते हैं कन्वर्जन में। यूनिट कन्वर्ट जो हम करते हैं वो इसी का ही यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती हैं। नंबर 1, एक होता है फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटी एंड यूनिट्स।
तो फंडामेंटल का मतलब है कि कुछ क्वांटिटी डिसाइड की गई है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि जो हमारे लिए सुविधाजनक है, यानी कि जो बेसिक है, जैसे कोई भी दीवार अब खड़ी करते हैं तो उसमें बेसिक की क्या जरूरत होती है, ईंट होती है, ईंटों से हम दीवार बनाते हैं। उसी तरीके के फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसके लिए हमें कुछ चीजें माननी पड़ेंगी। जैसे इसमें टोटल 7 होती है, देखिए पहली है लेंथ, दूसरा मास, टाइम, करंट, इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर, और इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो देखिए इनकी यूनिट क्या होती है, लेंथ की यूनिट हम लोगों ने क्या पढ़ी, यहां पर मीटर होगी, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। मास की हम लोगों ने किलोग्राम पढ़ी, तो किलोग्राम हम लोगों ने पढ़ी तो यहां पर केजी यूज करेंगे, यही फंडामेंटल यूनिट है, आप कुछ और नहीं लिख सकते फंडामेंटल में। टाइम को हम सेकेंड लिखते हैं, तो सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म s, और करेंट को हम एम्पियर लिखते हैं, तो एम्पियर का कैपिटल ए। टेम्परेचर होता है कैल्विन, तो इसका कैपिटल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम कहते हैं मोल, तो इसका MOL शॉर्ट फॉर्म में। इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है कैंडला, तो इसको हम कहते हैं CD, ये शॉर्ट फॉर्म है और ये लॉन्ग फॉर्म है। तो इसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और इसको कहते हैं सॉरी इसको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये हो जाता है फंडामेंटल यूनिट्स, और ये उनकी शॉर्ट फॉर्म। ये देखिए फिक्स है पूरा, इसको हम नहीं बदल सकते, ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में जो हम यूज करते हैं फंडामेंटल, वो हमारे पास यही है। ठीक है, इसको आपको तैयार भी करना होगा। अब हम बात करते हैं, ये तो फंडामेंटल है, ठीक है, यानी कि चीजें जो अब बनेंगी वो इन्हीं से ही मिलकर बनेगी। लेकिन अब हम बात करते हैं कि दूसरा कौन सा होता है। देखिए दूसरे सिस्टम को हम कहते हैं डेराइव्ड डेराइव्ड क्वांटिटी, डराइव्ड क्वांटिटी एंड यूनिट्स, यानी कि फंडामेंटल के अलावा जो भी है वो सब डराइव्ड में आती है। यानी कि जैसे कि अगर हम एरिया की अगर हम बात करते हैं, तो एरिया इज अ प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कि यहां पर दो फंडामेंटल आ रही है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, डराइव्ड। जैसे हम वेलोसिटी की बात करते हैं, तो उसमें आता डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट भी फंडामेंटल है और टाइम भी फंडामेंटल है, तो ये क्या हुई, ये डराइव्ड हुई, और इनकी जो यूनिट बनती यानी मीटर पर सेकंड जैसे बनी, तो ये क्या बन गई, डराइव्ड यूनिट बन गई। तो ये दो चीजें हैं, फंडामेंटल और डराइव्ड। अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स, चार तरीके के सिस्टम होते हैं, क्यों, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल अगर हमें सॉल्व करना होता है, चूंकि अभी 10th तक तो बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल थे, अब बात आती है 11th की, तो 11th में बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल हैं, उनको अगर सॉल्व करना होगा तो यहां पर हम इतनी आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हम किस सिस्टम में सॉल्व करना चाहते हैं, किस सिस्टम में हमको करना जरूरी है। तो देखिए चार सिस्टम होते हैं, CGS, MKS, FPS और फोर्थ है हमारा SI। देखिए CGS, MKS और FPS तो एक ही तरीके की बातें हैं, ये हो गई लेंथ, ये हो गया मास और ये हो गई टाइम। देखिए C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकेंड, तो ये हो गई तीन चीजें। MKS का मतलब होता है मीटर, KG और सेकेंड, और FPS का होता है फुट, पाउंड और सेकेंड, ठीक है। और SI का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स और इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये चार सिस्टम हैं जो कि
आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वो किसी एक में सॉल्व करना रहता है। देखिए अब एसआई की बात करते हैं, तो देखिए शुरुआत में जो सीजीएस है, सीजीएस अपनी अपने सिस्टम रखता है जिसको हम कहते हैं गॉसियन सिस्टम, ठीक। एमकेएस को हम कहते हैं मेट्रिक सिस्टम, और इसके बाद एफपीएस को हम कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम, और एसआई फ्रेंच सिस्टम कहलाता है, ठीक है। फ्रेंच सिस्टम इसलिए हम कहते हैं क्योंकि यहां पर जो डिसाइड हुआ है वो फ्रांस में हुआ है, और इसके बाद ये एमकेएस का एडवांस वर्जन ही है, एडवांस वर्जन ऑफ एमकेएस, ये एमकेएस का एडवांस वर्जन ही है, ठीक है। तो कुल मिला के या तो हम सीजीएस में यूज करते हैं या तो एसआई में यूज करते हैं। एमकेएस में चूंकि तीन चीजें हैं, एसआई में चार चीजें और बढ़ जाती हैं, और वो एसआई सिस्टम है क्या? वो यही है जो अभी हमने फंडामेंटल बताया, यही सात एसआई सिस्टम है। ये जो यूनिट्स आप देख रहे हैं वो सब एसआई यूनिट ही है, यानी फंडामेंटल का जो है वही हम एसआई सिस्टम मानते हैं। ये सात क्वांटिटी है जो कि एसआई सिस्टम में आती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पावर के बारे में।